Assalamualaikum students, here is the lecture number 2 from chapter number 3 the periodic table. आज का हमारा टॉपिक है केमिकल सिंबल. इसमें हम रीड करेंगे सिंबल को, ठीक है. सिंबल क्या होते हैं और हर एलिमेंट का सिंबल क्या है उसको हम साथ साथ देखते जाएंगे. सिंबल एक हम कहते हैं शॉर्ट हैंड टू रिकॉग्नाइज, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसका नेम होता है सिंबल. जैसे आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपका नाम होता है, उसी तरह किसी भी एलिमेंट को देखने के लिए, जानने के लिए उसका नेम होता है, जिसे हम सिंबल कहते हैं. और वो सिंबल यूनिक होता है, राइट. ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन यूनिक सिंबल. हर एलिमेंट का एक यूनिक सिंबल है. अ सॉर्ट ऑफ केमिकल शॉर्ट हैंड रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड. केमिकल शॉर्ट हैंड होता है रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको तो सारी दुनिया के लोग जानते हैं. अ केमिकल सिंबल कैन बी कैपिटल लेटर. केमिकल सिंबल कैपिटल लेटर हो सकता है, जैसा कि सी विच इज़ द सिंबल फॉर द एलिमेंट कार्बन. जैसा कि कैपिटल सी जो कि एलिमेंट कार्बन का सिंबल है. और अ कैपिटल लेटर फॉलोड बाय अ लोअर केस लेटर. कैल्शियम फॉर एग्जांपल हैज़ द सिंबल सी ए विच कम फ्रॉम द फर्स्ट टू लेटर ऑफ इट्स इंग्लिश नेम. या तो वो कैपिटल नेम हो सकता है या फिर लोअर केस लेटर भी हो सकता है, मतलब कैपिटल के साथ स्मॉल लेटर दिया जाए. जैसे कि हम कैल्शियम के लिए यूज़ करते हैं सी ए, ठीक है. नेक्स्ट आयरन ऑन द अदर हैंड हैज़ द सिंबल एफ ए. आयरन का सिंबल क्या है, एफ ए, विच कम फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, जो कि इसके लैटिन नेम फेरम से अराइज हुआ है, राइट. अदर एलिमेंट्स हैव सिंबल मेड अप फ्रॉम देयर फर्स्ट लेटर. दूसरे एलिमेंट के सिंबल कैसे बनते हैं, उनके फर्स्ट लेटर्स हैं एंड वन अदर लेटर इन इट्स नेम, या फिर दो फर्स्ट टू लेटर्स को आपस में मिलाकर उनका सिंबल बना दिया जाता है. लाइक डैट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एम जे एंड जिंक जी एन आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट. ये था केमिकल सिंबल, हमने एलिमेंट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना है. हियर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल सिंबल. लाइक डैट एलिमेंट हाइड्रोजन, सिंबल क्या है, एच. एलिमेंट हीलियम, सिंबल एच ई. एलिमेंट लिथियम, सिंबल एल आई. एलिमेंट ब्रिलियम, सिंबल बी ई. एलिमेंट बोरोन एंड सिंबल बी, कैपिटल बी. कार्बन, सिंबल सी. नाइट्रोजन, सिंबल एन. ऑक्सीजन, सिंबल ओ. फ्लोरीन, सिंबल एफ. और नियॉन, सिंबल एन ई. This is the symbol of the element, right? Next we read about atomic number and mass number. Atomic number, the number of proton in an atom is called its atomic number. हमने ये already discuss किया था कि atom के nucleus में proton पाए जाते हैं. अब वो कहते हैं कि atom के जो proton number होता है वही उसका atomic number होता है. Atomic number को हम proton number भी कहते हैं, राइट. ईच एलिमेंट हैज़ अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर. हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा. एलिमेंट कंटेन न्यूट्रल एटम. हर एलिमेंट में न्यूट्रल एटम्स होते हैं. सिंस प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. देयर मस्ट बी एन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. इसीलिए जितने प्रोटॉन नंबर होंगे उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट. सो द एटॉमिक नंबर आल्सो टेल अस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन द एटम हैज़. हमें एटॉमिक नंबर ही बताता है कि एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब ऑर्बिट में, ठीक है. एटॉमिक नंबर क्या था, प्रोटॉन नंबर विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस सॉरी एटम में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके अंदर प्रोटॉन नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. और जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, राइट. नेक्स्ट मैस नंबर.
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम मैस. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली मतलब सेम मैस है. इलेक्ट्रॉन हैव अ मैस सो स्मॉल, जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत ज़्यादा छोटा है. इट कैन बी इग्नोर्ड, हम उसे इग्नोर कर देते हैं. द मैस ऑफ एन एटम डिपेंड ऑन हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इट हैज़. किसी भी एटम का मैस अगर फाइंड करना है तो हमें ये देखना होगा कि उस एटम के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने मौजूद हैं. ठीक है, हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से किसी भी एटम का मैस पता होता है या पता चलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस इतना ज़्यादा छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं. मैस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. दिस इज़ द फार्मूला टू फाइंड द मैस नंबर ऑफ एन एलिमेंट. ऑल कार्बन एटम हैव 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. जितने भी कार्बन एटम्स हैं उन सब के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे. दिस कार्बन एटम हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन गिविंग द मैस नंबर ऑफ 12. तो इसका मतलब है जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है, तो इसका मैस नंबर क्या होगा? मैस नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन कितने हैं? 6. और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 इज इक्वल टू 12. 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12. सो इट्स मैस नंबर इज 12. राइट, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर.